हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और इसमें हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम पिग्मी जनजाति है उसके बारे में जानेंगे। पिग्मी जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप में कांगो गणराज्य में निवास करती है। जो मानव शास्त्री है उनके अनुसार जो पिग्मी जनजाति है वो विश्व की आदिम जनजाति है। इसलिए इस जनजाति को पशुओं के अधिक निकट माना जाता है। देखिए मैं लिखता हूँ, कुछ सामान्य चीजें हैं पिग्मी जनजाति से, उनको नोट करना आप। अफ्रीका के कांगो गणराज्य में निवास करती है ये जनजाति, ठीक है। फिर है मानव शास्त्रियों के अनुसार यह विश्व की प्राचीन या आदिम जनजाति है। प्राचीन या आदिम जनजाति है और यह पशुओं के अधिक निकट है, अधिक निकट मानी जाती है पशुओं के। फिर देखो इसका ये जो जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से, निग्रिटो प्रजाति से है। इनका देखो जिस क्षेत्र में रहते हैं ये वो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है, यानी गर्मी बहुत अधिक होती है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है इन क्षेत्रों में। देखो जिसके कारण घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल। अब जंगल घने हैं तो यहाँ जहरीले जीव जंतु और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। फिर इसके देखो भोजन में ये मांस का प्रयोग करते हैं और जंगलों से कंदमूल और फलों का सेवन करते हैं। उसके बाद देखो ये जनजाति है ये मूक व्यापार करती है, मूक व्यापार या साइलेंट ट्रेड करती है। फिर ये मूक व्यापार हो गया। उसके बाद देखो ये मछली को पकड़ना, शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना ये कार्य करते हैं। ये कुछ सामान्य बातें हैं पिग्मी जनजाति से संबंधित। जो पिग्मी देखो जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप के कांगो राज्य में निवास करती है और विश्व की सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है।
इसलिए जो मानव शास्त्री है इसे पशुओं के अधिक निकट मानते हैं, क्योंकि ये जो जनजाति है ये जो अपने से सभ्य लोगों को देख के ये उनसे दूर भागती है, क्योंकि ये जो जनजाति है ये मुख्य धारा में नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है मुख्य धारा से, इसकी अपने ही रीति रिवाज और सभ्यता है, तो ये बाहरी जो लोग हैं उनके संपर्क में नहीं आते हैं। उसके बाद इनका जो निवास क्षेत्र है, जो उसकी जो जलवायु है वो बहुत ही अधिक गर्म और आर्द्र है, यानी बहुत अधिक वर्षा होती है, यानी रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, बहुत अधिक कठोर स्थान है इस जनजाति के रहने के लिए। उसके अलावा ये जो जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। उसके अलावा ये मूग व्यापार करती है, साइलेंट ट्रेड है जो बताया था पहले आपको, फिर जैसे कार्य इसके मछली पकड़ना है, शिकार करना है, कंदमूल वनों से इकट्ठा करना है, तो ये जो जनजाति है वो कृषि कार्य नहीं करती है, क्योंकि घने जंगलों में रहती है तो जगह भी नहीं है कृषि की। उसके बाद वो घने जंगल है, कृषि के लिए जगह नहीं है और बरसात खूब होती है, और अपनी ये जो जनजाति है अपने शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकती है, तो इसका स्थायी आवास भी नहीं है, तो इसलिए ये कृषि कार्य भी नहीं करती है, तो पूर्ण रूप से शिकार और वनों पे आश्रित है ये जनजाति, और इनका कोई सामाजिक संगठन भी इतना मजबूत नहीं है, ठीक है, और ये केवल अपने लिए ही शिकार करते हैं ताकि घर के जितने 5 या 10 सदस्य हैं उनके लिए व्यवस्था हो सके उतनी, समूह के लिए इनका इतना लेना देना नहीं है। उसके बाद देखो वस्त्र है इस जनजाति के, तो वस्त्र कोई अधिक नहीं है इनके, बहुत गर्म इलाकों में ये जनजाति रहती है, प्राय नग्न अवस्था में रहते हैं, अगर कुछ अपने शरीर को थोड़ा बहुत ढकते हैं तो पेड़ों की छाल से और पत्तों से ही ढकते हैं, और शिकार में देखो इनके जो अस्त्र शस्त्र है वो बर्छे हैं, भाले हैं, तीर कमान है, कुछ लकड़ी के औजार हैं वो ही है, तो ये सब पिग्मी जनजाति है, ठीक है, इससे संबंधित है और इसका हम विस्तार से अध्ययन लेते हैं। सबसे पहले जो पिग्मी जनजाति है इसका निवास स्थान हम देखते हैं। देखो निवास स्थान में ये जनजाति है अफ्रीका के कांगो गणराज्य में निवास करती है। पहला पॉइंट है निवास क्षेत्र, तो अफ्रीका के कांगो गणराज्य में निवास करती है यह जनजाति। और जो पश्चिमी वर्ग के जो पिग्मी है वो बोनबो गेबान में निवास करते हैं। अलग अलग जो पिग्मी हैं उनकी अलग अलग इनकी उपजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। जैसे पश्चिमी वर्ग के जो पिग्मी हैं वो बोनबो गेबान में निवास करते हैं, और अफ्रीका के पूर्वी पिग्मी मबूती जायरे के इतुरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। कांगो बेसिन की बतवा समूह के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है। कांगो बेसिन के अब देखो अधिक जानकारी किसके बारे में उपलब्ध है, जो कांगो बेसिन है, देखो कांगो एक नदी है आपको बताया था पहले भी, देखो कांगो बेसिन के जो बतवा है, बतवा पिग्मी है, उनकी अधिक जानकारी उपलब्ध है। तो बाकी की उपलब्ध नहीं है, कारण वही है आदिम जनजाति है, अपने से सभ्य लोगों को देख के ये डर जाती है, उसे बातचीत भी नहीं करती है, तो केवल जो बतवा समूह के बारे में अधिक जानकारी है। तो ये जो पशुपालक तुसी कृषि कार्य करने वाले हुट्टू तथा अन्य के साथ जायरे की कीव झील के चारों ओर के
मैदानों और उच्च पर्वतीय भागों तथा रुआंडा बरुंडी में निवास करते हैं। अधिक पश्चिम की ओर कांगो नदी के दक्षिण में पाए जाने वाले दलदली भाग में बतवा एक बड़ा समूह निवास करता है। बतवा वर्ग के पिग्मी मुख्यतः मछली मारने और पशुओं को पकड़ने या उनका शिकार करने पर निर्भर है। देखो, अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियन जो पिग्मी जनजाति है, देखो अफ्रीका में तो निवास करती है, उसके अलावा कहाँ निवास कर रही है ये? इसके अलावा ये अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस हैं। अमेजन बेसिन के श्रीलंका के वेदा, श्रीलंका के वेदा और न्यू गिनी में पापुआ, न्यू गिनी में पापुआ, उसके बाद है बोर्नियो के पुनन, बोर्नियो के ये पुनन है, यानी ये अलग अलग क्षेत्रों में भी पिग्मी जनजाति है जो निवास करती है। ठीक है, अमेजन बेसिन के रेड इंडियंस और श्रीलंका के वेदा, न्यू गिनी में पापुआन और बोर्नियो के पुनन, ये भी क्या है? पिग्मी जनजाति से संबंधित है। फिर आता है पिग्मी क्षेत्र का वातावरण, पिग्मी क्षेत्र का वातावरण, सेकेंड है पॉइंट पिग्मी क्षेत्र का वातावरण। पिग्मी क्षेत्र का वातावरण आपको बताया दिया है, उष्ण और आर्द्र है। ठीक है, तापमान देखो रहता है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान रहता है। बहुत अधिक वर्षा होती है यहाँ, लगभग देखो वर्षा है लगभग 250 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है, यानी खूब वर्षा होती है। गर्म क्षेत्र है और भारी वर्षा वाला क्षेत्र है, तो इसलिए घने जंगल भी यहाँ पाए जाते हैं और इन जंगलों में जहरीले कीड़े मकोड़े और विशालकाय जानवर भी पाए जाते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पर शारीरिक संगठन, इसका जो पिग्मी जनजाति है इसका शारीरिक संगठन कैसा है? शारीरिक संगठन या संरचना, देखो ये तो जनजाति है, जैसे आपको बताया था विश्व की सबसे छोटे कद की है, तो पिग्मी जो जनजाति है विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, तो इनकी हाइट है लगभग, कद इनका है 1.33 से 1.49 तक मीटर है, मीटर तक। ठीक है, ये इनकी हाइट होती है, बहुत ही कम हाइट होती है इस जनजाति की, विश्व में सबसे कम इसकी हाइट है। उसके बाद देखो इनकी जो चमड़ी का रंग है, त्वचा का रंग है,
वो पीलापन दिए हुए गहरा भूरा है, गहरा भूरा होता है। उसके बाद नाक लेते हैं, नाक देखो इनकी चपटी होती है। उसके बाद इसमें देखते हैं, नाक के बाद है इसमें आंखें बड़ी और आंखें इनकी बड़ी होती है। बाल इनके घुंघरालू होते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो जबड़े होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं। जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं। ये जो जनजाति है साहसी होती है, निडर होती है ये जनजाति, और इनकी जो स्मरण शक्ति हो है वो बहुत तेज होती है, और इनकी जो सूंघने की शक्ति है, घ्राण शक्ति है, वो भी बहुत अधिक होती है। तो दूर से ही इन्हें अपने शिकार का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन। इस जनजाति का भोजन क्या है वो देखते हैं। भोजन देखो पिग्मी जनजाति है, देखो ये शिकारी है, तो मुख्य भोजन इनका मांस है, और जो मांस है ये मांस मुख्य भोजन। मांस ये कच्चा खाते हैं, मांस ये कच्चा खाते हैं। इसके अलावा ये वनों से फल कंदमूल और शहद प्राप्त करते हैं। तो वनों से फल कंदमूल और शहद भी प्राप्त करते हैं। उसके अलावा देखो ये एक पिग्मी एक समय में 50 से 60 केले खा जाता है। डाइट अच्छी होती है इनकी। तो एक जो पिग्मी होता है एक ही बार में एक ही समय में 50 से 60 केले खा लेता है आराम से। उसके बाद देखो ये जैसे बंदर है, पक्षी है, जो छोटे जानवर है उन्हें ये भून कर खाना पसंद करते हैं। भून कर खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा ये जो जूं होती है सर में, जूं भी खा जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, जो जूं होती है सर में वो भी खा जाते हैं। जुएं भी खा जाते हैं। तो इस तरीके से इनका ये भोजन है इनका। उसके बाद है आखेट, ये शिकार।
ये देखो शिकार किस तरीके से करते हैं, किन किन पशुओं का करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो शिकार देखते हैं इनका आखिर, आखेट ये देखो, ये हाथी का शिकार, देखो हाथी का शिकार ये कैसे करते हैं। हाथी का शिकार के लिए ये एक जंगल में खड्डा खोद देते हैं और उस खड्डे को ये पत्तों से ढक देते हैं, तो ये कुछ अपनी ही भाषा में आवाज़ लगाते हैं और हाथी को उसी दिशा में ये दौड़ाते हैं जिस तरफ इन्होंने खड्डा कर रखा होता है। तो हाथी क्या होता है, खड्डे में गिर जाता है, उसके बाद ये उस पर हमला करते हैं हाथी पे, बर्छी से, धनुष कमान से, भालों से हथियार हमला करके हाथी को मार देते हैं। तो इस तरीके से ये हाथी का शिकार करते हैं। उसके बाद देखो जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का शिकार, देखो पक्षियों का शिकार ये जंगल में एक जंगली अंजीर होता है, जंगली अंजीर, ठीक है, इससे क्या है एक चिपचिपा रस निकलता है, जो चिपचिपा रस होता है ये बांस की खपच्चियों पर लगा देते हैं, ठीक है, बांस की जो खपच्चियां होती है उन पे ये लगा देते हैं अंजीर, जंगली अंजीर का चिपचिपा रस। तो पक्षी जब इनकी बांस की खपच्चियों पर जब बैठते हैं तो वो इस रस के कारण, चिपचिपे रस के कारण चिपक जाते हैं। इस तरीके से ये पक्षियों का भी शिकार करते हैं। उसके बाद ये मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, ठीक है, तो ये शिकार भी यही है और बड़े से बड़े पशु का और छोटे से छोटे पशु का ये शिकार कर लेते हैं। दीमक, चींटियां, जुए और मधुमक्खियां भी ये खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वस्त्र है इनके, वस्त्रों का जैसे मैंने बता ही दिया आपको, वस्त्र है, वस्त्र ये गर्म प्रदेशों में रहते हैं, वस्त्र अधिक नहीं पहनते हैं, अधिकतर नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर को थोड़ा बहुत ढकते हैं तो पेड़ों की छाल से और उसकी पत्तियों से ही ढकते हैं ये। और स्त्रियां क्या करती है, जो बांस से एक कंघी बनाती है, बालों बाल संवारने के लिए एक कंघी का निर्माण करती है। उसके बाद देखो इनके मकान है, मकान पे पिग्मी क्या करते हैं, जो मकान होते हैं वो देखो पेड़ों पे बनाते हैं, पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों पर क्यों बनाते हैं, ताकि कोई जंगली पशु है या जानवर है उससे बचाव के लिए ये जो अपना मकान है पेड़ों पे बनाते हैं। उसके बाद ये जो दरवाजे का मुंह छोटा रखते हैं, दरवाजे का मुंह छोटा रखते हैं, और क्यों छोटा रखते हैं वो पता है आपको, ताकि जंगली जानवर वगैरह प्रवेश ना कर पाए। उसके अलावा ये देखो ये काम और करते हैं, जो इनका देखो मकान होता है ना, मकान के चारों ओर एक तो खड्डा करते हैं, ठीक है, खड्डा करके विषैली लकड़ियां फेंक देते हैं। ये क्या करते हैं, मकान के चारों तरफ ये खड्डा करते हैं, खड्डा करके कुछ विषैली कुछ लकड़ियां होती है जिन पे ये विष लगा देते हैं, ताकि कोई जंगली पशु है या इन पे कोई
हमला करने वाली जनजाति है, ठीक है, उससे बचाव के लिए ये कार्य करते हैं। और इनकी जो झोंपड़ी होती है वो देखो गोलाकार होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार, और मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान, ये है इनकी झोंपड़ी, इनके मकान जिसमें ये रहते हैं। उसके बाद देखो मकान के बाद है इनके उपकरण है, उपकरण में इनके भाले है, तीर कमान है, बर्छी है। उसके अलावा ये जो उपकरण है अपने, ये लकड़ियों से भी बनाते हैं उपकरण, मछली पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियां, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बिया, भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी आदि का ये उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला बिंदु आता है इनका व्यापार। देखो व्यापार तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ही सामान्य जीवन है इनका, आदिम जनजाति है। व्यापार के तौर पे ये एक कृषक जाति होती है बंटू, बंटू है कृषक। ये केवल जो मूक व्यापार है, जो बंटू कृषक है, केवल इन्हीं के साथ करते हैं, केवल इन्हीं के साथ ये मूक व्यापार करते हैं। तो मूक व्यापार में क्या करते हैं ये लोग, मतलब कि जो पिग्मी लोग हैं, रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्ती में जाकर एक निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेट कर मांस का टुकड़ा रख देते हैं, ठीक है। तो बदले में जो बंटू कृषक क्या करते हैं, इनको कृषि से संबंधित कुछ चीजें, यानी उत्पाद है, कुछ अनाज वगैरह दे देते हैं इनको, ठीक है। तो ये मांस का टुकड़ा देते हैं और बदले में अनाज प्राप्त करते हैं। तो ये जो व्यापार है काफी समय से केवल बंटू कृषकों के साथ ही कर रहे हैं, इसलिए जो पिग्मी जनजाति है और बंटू कृषक है, इन दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकताओं का पता है। उसके बाद इनकी सामाजिक व्यवस्था, देखो सामाजिक व्यवस्था में ये जो पिग्मी लोग हैं, एक तो प्रकृति से डरते हैं, और डरने का कारण क्या है, एक आदिम जनजाति है, शिक्षित नहीं है, आधुनिक धारा से जुड़ी भी नहीं है, तो ये प्रकृति से बहुत अधिक डरती है। तो ये भूत प्रेत में इनका अंधविश्वास होता है, विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पत्थरों को यह जनजाति पूजती है, और जादू टोनों में भी इनका विश्वास होता है। उसके अलावा ये जो जनजाति है उसे नाचने और गाने का बड़ा शौक होता है, ये रात रात भर नाचते रहते हैं। इनमें जो जन्म दर है इस जनजाति में वो बहुत अधिक ऊंची पाई जाती है, मगर जन्म दर जितनी ही इनकी ऊंची है उसके साथ मृत्यु दर भी इनमें अधिक है, तो इनकी जो जनसंख्या है अधिक बढ़ नहीं पाती है। और ये शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट होते हैं ये जो पिग्मी हैं, और इनका जो परस्पर जो जीवन है वह सहयोगशील नहीं है, और जो प्रत्येक परिवार है अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है, समूह का नहीं सोचते, केवल अपनी आवश्यकताओं का ही सोचते हैं। उसके बाद देखो अंतिम बिंदु है आधुनिक समाज से संपर्क। आधुनिक समाज से संपर्क का जैसे स्पष्ट ही है, आधुनिक समाज से इनका बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, आज तक भी इनका संपर्क नहीं हो पाया है और भविष्य का पता नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये जो जनजाति है अपने से सभ्य लोग को देखकर उनसे दूर भागती है, उसे संकोच करती है, अगर कोई इनसे बोलना भी चाहता है तो भी ये उसके संपर्क में नहीं आते, बल्कि दूर जंगलों में भाग जाती है। और पिग्मी जो जनजाति है उनका जीवन देखो बहुत कठोर है, जो इनका निवास क्षेत्र है, जो वातावरण है वो भी जीवन योग्य नहीं है, बहुत कठोर इनका वातावरण है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक वर्षा, ऊपर से जो
घने जंगलों में रहना, जो जीव जंतु हैं यहाँ पे वो बहुत अधिक जहरीले होते हैं। यह पिग्मी जनजाति है, एक साहसिक निर्भीक और निर्डर जनजाति है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने जो पिग्मी जनजाति है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मसाई जनजाति लेंगे। जो मसाई जनजाति है वो भी अफ्रीका की ही जनजाति है। तो आज का हमारा यहीं तक रहेगा। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।